गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टडी किया था क्लॉथ्स वी वियर। हाफ चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, रिमेनिंग चैप्टर आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने पढ़ा था क्लॉथ्स से रिलेटेड, क्लॉथ्स मेकिंग के मेथड पढ़े थे कि कौन कैसे डिज़ाइन करते हैं, कौन कौन से डिज़ाइन को क्या बोलते हैं और कहाँ वो फेमस है। आज हम पढ़ेंगे क्लॉथ्स वी वियर, हमारा टॉपिक है क्लॉथ्स वी वियर। क्लॉथ्स आर वॉर्न अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल। तो क्लॉथ्स जो वियर किए जाते हैं किसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं, क्लाइमेट के, एक प्लेस का जैसा क्लाइमेट होता है वहाँ उस टाइप के क्लॉथ पहने जाते हैं, कस्टम के, रीति रिवाजों के, परंपराओं के, और जहाँ जो उपलब्ध होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्लॉथ को वियर किया जाता है। क्लॉथ्स वॉर्न अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कैसे होता है बताओ। कॉटन क्लॉथ्स आर वॉर्न इन समर, समर में किस टाइप के क्लॉथ पहनते हैं हम, कॉटन क्लॉथ। क्यों? क्योंकि ये हमें कैसा फील कराते हैं, ये कूल फील कराते हैं, इसलिए हम कॉटन क्लॉथ समर में पहनते हैं। वुलन क्लॉथ्स आर वॉर्न इन विंटर, वुलन क्लॉथ्स हम कब पहनते हैं, सर्दियों में पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये हमें वार्म रखते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं वुलन क्लॉथ को सर्दियों में पहनते हैं। अब सर्दी आ रही है तो हम कौन से क्लॉथ का यूज़ करेंगे, यस वुलन क्लॉथ का यूज़ करेंगे। रेनकोट एंड गमबूट्स आर वॉर्न इन रेनी सीजन, रेनकोट और गमबूट्स हम कब पहनते हैं, आप रेनकोट का यूज़ कब करते हैं, जब रेन होगी तब, तो रेनी सीजन जब होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, रेनकोट एंड गमबूट्स। ड्रेसेस ऑफ वुमेंस, द ड्रेसेस ऑफ वुमेंस इन आवर कंट्री आर ब्यूटीफुल, जो वुमेंस की जो ड्रेसेस है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है हमारी कंट्री में। आपने देखा होगा बहुत सी वुमेंस अलग अलग टाइप की ड्रेसेस वेयर करती है। द स्टाइल एंड ड्रेसेस वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जो स्टाइल होती है ड्रेस की, स्टाइल और ड्रेस अलग अलग होती है, कैसे स्टेट, हर स्टेट में अलग अलग ड्रेसेस होती है। द मोस्ट कॉमन ड्रेस ऑफ वुमन इन अवर कंट्री इज साड़ी, वुमन की जो मोस्ट कॉमन होती है कि जो साड़ी होती है हर जगह वह पहनी जाती है। इट इज़ वॉर्न डिफरेंटली इन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से साड़ी पहनी जाती है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर नॉर्मल सिंपल तरीके से पहनी हुई, और ये बंगाली स्टाइल में, कलकत्ता में बंगाली स्टाइल की साड़ी पहनी जाती है। स्टेट के अकॉर्डिंग साड़ी पहनने की स्टाइल बदल जाती है, जैसे मद्रासी लोग अलग स्टाइल में पहनते हैं, ये सभी अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप की साड़ी स्टाइल में पहनते हैं। वुमन वियर सलवार कमीज इन पंजाब, पंजाब में वुमन क्या पहनती है, सलवार कमीज। हिमाचली वुमन वियर फिरन ओवर दियर क्लॉथ्स, और हिमाचली वुमन क्या पहनती है, फिरन पहनती है। इन आसाम वुमन वियर मेखला चादर, और असम में क्या पहना जाता है, मेखला चादर, साड़ी होती है उसको मेखला चादर कहा जाता है। इन राजस्थान वुमन वियर लहंगा चोली विथ ओढ़नी, और राजस्थान में आप सभी राजस्थान में रहते हैं, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ पीपल क्या पहनते हैं, लहंगा चोली पहनते हैं, और साथ में क्या होता है, ओढ़नी वियर करते हैं वो। ड्रेसेस ऑफ मैन आल्सो वियर डिफरेंट ड्रेसेस, मैन भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग ड्रेसेस वियर करते हैं। इन राजस्थान मैन वियर चूड़ीदार कुर्ता अंग रखा एंड अ टर्बन, राजस्थान में आपने देखा होगा मेन क्या पहनते हैं, ज़्यादातर कुर्ता पहनते हैं, चूड़ीदार पहनते हैं, अंगरखा पहनते हैं, टर्बन साथ में क्या लगाते हैं, पगड़ी। टर्बन मतलब क्या होता है, पगड़ी। इन उत्तर प्रदेश मैन वियर धोती कुर्ता, उत्तर प्रदेश में लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। इन केरला में मैन वियर अ लुंगी कॉल्ड अ मुंडू एंड शर्ट, जो केरला में लोग क्या पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं। आप जो टीवी वगैरह में आपने देखा होगा किसी भी सीरियल में, जो केरला के जो मेन होते हैं वो लुंगी और उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं, उस लुंगी को क्या बोलते हैं, मुंडू। इन कश्मीर मैन वियर फिरन सलवार विथ अ केप, और कश्मीर में क्या पहनते हैं, फिरन सलवार पहनते हैं कैप के साथ। बाकू इज अ लॉन्ग स्कर्ट वॉर्न बाय वुमन इन सिक्किम, बाकू क्या है, एक लॉन्ग स्कर्ट है जो कि वुमन्स पहनती है, कहाँ पर, सिक्किम में, सिक्किम। मॉडर्न ड्रेसेस ऑफ मैन एंड वुमेन, अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न ड्रेसेस। आप देखते हैं आजकल इंटरनेट पे या कहीं भी हमारे आसपास लोग बहुत मॉडर्न ड्रेसेस का आजकल ज़्यादा यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस का यूज़ अब बहुत कम हो चुका है। मॉडर्न ड्रेसेस ऑफ मैन एंड वुमेन इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है हम ये जानेंगे, स्कर्ट टॉप जींस टी शर्ट पैंट शर्ट शर्ट शॉर्ट्स लेगिंग्स कुर्ता एंड मैनी मोर। आपके घर में आपके आसपास भी सभी ज़्यादा इन्हीं कपड़ों का आजकल यूज़ करते होंगे, तो दिस ड्रेसेस मेक द पीपल लुक वेरी स्मार्ट, और ये जो ड्रेसेस होती है
हमारा लुक क्या कर देती है, और स्मार्ट बना देती है, जो आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाई गई है। वी शुड ऑलवेज वियर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। हमें हमेशा कैसे क्लोथ पहनने चाहिए, नीट और क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। दे मेक अस लुक स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव। और अगर हम क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे तो ये हमारे लुक को और ज़्यादा स्मार्ट और अट्रैक्टिव बनाता है। हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।